हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक छोटा सा अपडेट देना पहुंचाना है आप तक मुझे, और उसी अपडेट को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर हाजिर हुआ हूं। बेसिकली तमिलनाडु से निकल कर ये अपडेट आ रहा है, और बहुत बड़ा अपडेट है ये, इसलिए भी क्योंकि आपने बिहार चुनाव देखा होगा, तो वहाँ पर सारे ही लोग पहुँचे हुए थे, बड़ी से बड़ी हस्ती पहुँची हुई थी AIIMM की जानिब से। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, और भी कई जगह गुजरात के अंदर भी चुनाव हुआ था, तो वैसे ही हुआ था, सारी हस्ती पहुंची हुई थी। लेकिन कोई एक शख्स अगर नहीं पहुंचता था तो वो था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। जी हाँ, शेर हिंद के नाम से मशहूर है ये शख्स, और बहुत लोगों के ये जो है धड़कन है, नौजवानों के खास करके। और एक बार फिर से तमिलनाडु के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आज शाम को जो है 7:30 बजे तमिलनाडु के वेनियमबाड़ी के अंदर एक जलसे को संबोधित करेंगे। जी हाँ, ये तमिलनाडु पहुँच गए हैं, और इनके साथ साथ जो है इम्तियाज जलील भी जो है साहब भी जो है वो भी पहुंच रहे हैं वहां पर। तीन चार को वहीं रहेंगे। इसके साथ साथ पहले से ही वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाएं हो ही रही है। इसके अलावा वारिस पठान साहब वहां पर पहुंचे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यह है कि तमिलनाडु के अंदर जो है अब AIIMM के सारे ही शेर जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर यही है, एक जीत की जो खुशबू है वो थोड़ी थोड़ी अब कहीं ना कहीं मिलने लगी है तमिलनाडु के वेनियमबाड़ी से। और दो विधानसभा जिसके बारे में चर्चाएं खूब हो रही है, वो दोनों के दोनों, हालांकि तीन सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं MIM, लेकिन दो विधानसभा जो है MIM जीत रही है। ऐसा जो है जीत की खुशबू लोगों को सूंघने को मिल रही है। और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बहुत बड़ा अपडेट है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर जा रहे हैं पहली बार चुनाव के लिए। वो जो है बहुत कम नज़र आते हैं दूसरे स्टेट के अंदर, लेकिन कुल मिलाकर हैदराबाद के ये शेर जो है आज शाम को वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।